कि जब ले हम हर गरीब के घर सर पे छत ना दे दे, जब ले मैं गरीबन के सर पे छत ना दे दे, जब ले मैं लइकन के रोजगार ना दे दे, जब ले मैं बहिनियन के दो पैसा के काम ना करा दे, जब ले शौचालय ना बना दे, जब ले गैस ना दे दे, तब ले हम शांति से ना बैठ। खुद सोचा रे बहिन, इतना बड़ तो लोगों के गाँव बा, सुल्तानपुर बा, बड़ गाँव कितना बड़ा आबादी बा, 12,000 के सोचा आबादी वाला गांव बा, शौचालय ना मिली, ये बाहर जात के मिली, जेकरा बनल बा, जेकरा नइखे बनल नो करे के ना मिली, ना ना चलले सभा में जब आप भाषण दे रहे थे, कुछ महिलाएं शौचालय से संबंधित मांग कर रही थी, कौन थी महिलाएं, क्या वो लोग अभी अपात्र हैं, उन लोगों को शौचालय नहीं मिल पाया है, क्या था वो? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी की एक बहुत योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने की, आप देखते होंगे कि हर गांव में आजकल हम संख्या ज़्यादा संख्या में शौचालय देख रहे हैं, पर यह मुमकिन अभी नहीं हो पाया कि हम हर गाँव में हर व्यक्ति को शौचालय पहुँचाने में अभी पॉसिबल ये नहीं हो पाया। कई कई जगह तो ऐसा भी हो रहा है कि माता के पास है तो वो पुत्र के लिए मांग रही, इस तरह की मांग है, तो इसका मैंने कहा है कि प्रॉपर इसकी निगरानी की जाए और जो इसका वाकई अधिकारी है जिसको मिलना चाहिए उस तक ये मिले। सुल्तानपुर में ज्यादा से ज्यादा शौचालय मिल चुका है? नहीं, और मिले, हमारी सरकार की इच्छा है कि भाई सबको मिलना चाहिए। घर की बहू बेटी की प्रतिष्ठा से बढ़कर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नज़र में और कुछ नहीं है, तो शौचालय की सबसे ज़्यादा जरूरी महिला के लिए है, तो हर घर में शौचालय हो इसकी पूरी स्ट्रिक्टली से निगरानी की जा रही है और वो होगा। चलिए।